हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंदर, आई एम जी के टीचर फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम करेंगे चैप्टर 11, सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं? इन्वायरमेंट का होता है पर्यावरण, सेव होता है बचाना। सिंस वी आर ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हम सभी पर्यावरण के भाग हैं। इट आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर एंड सेव इट, इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम इसकी देखभाल करें, इसको बचाएं। अदरवाइज इट विल इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव ऑन अर्थ, नहीं तो हमारे लिए धरती पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नीचे कुछ 10 एक्टिविटी दी गई है जो हम रोज करते हैं, वो बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स आपको, ठीक है? इजी इजी है, बहुत ही ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। ध्यान दीजिए, बर्निंग क्या होता है आपको पता ही है, जलाना होता है, क्या होता है? जलाना। गार्बेज क्या होता है? कचरा। कौज कारण, एयर का मतलब होता है हवा वायु, और पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण, कि जब हम कचरे को जलाते हैं ना तो वायु प्रदूषण होता है। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है कि जब हम कचरे को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि उससे धुआं निकलेगा, वो धुएं से हवा मिलेगा और इससे वायु प्रदूषण होता है। ट्रीज गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्रथ, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं हमें सांस लेने के लिए। नहीं बेटा, पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये लाइन क्या है? फाल्स है, झूठ है, ठीक है, असत्य है। CNG प्रोवाइड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। CNG क्या होता है? CNG गैस होती है जिससे गाड़ी चलती है, ठीक है? तो CNG क्या कर देती है हमें? पोल्यूशन फ्री, इससे पोल्यूशन कम होता है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में। क्यों? जब ये गाड़ी चलेगी ना, जब गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो उससे धुआं निकलता है, और जब इस पे चलती है तो कम धुआं निकलता है, बहुत भी कम। तो ये क्या करती है? पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देती है हमें, ये ट्रू है, ठीक है। CNG गैस गैस पे गाड़ी चलती है बहुत। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, कि जो कागज़ है वो पेड़ों से बनता है। हाँ, कागज़ पेड़ से बनता है, ये ठीक है, भी ट्रू है। टर्निंग ऑफ लाइट एंड फैन सेव एनर्जी, अब कमरे की जो लाइट है या जो कमरे का फैन है उसको बंद करने से लाइट की जो एनर्जी है, ऊर्जा की बचत होती है, ये भी ट्रू है, ठीक है। फॉलन लीव्स कैन इनरिच सोइल फर्टिलिटी, जब पौधे की पत्तियां गिर जाती है तो क्या कहता है कि इससे फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊपन बढ़ता है भूमि का। हाँ सही है, क्योंकि जब पौधे की पत्तियाँ गिर जाती है तो उनकी क्या बन जाती है? खाद बन जाती है, इससे भूमि है वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन, उपजाऊपन का मतलब होता है ज़्यादा उपजाऊ भूमि हो तो ज़्यादा फसल होती है, अच्छी होती है। इससे पत्तियाँ वहाँ गिरने से खाद बनती है, खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, ट्रू आएगा इसका भी। वी शुड नॉट ओवर यूज पेपर आर्टिकल, हमें पेपर का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जो पेपर से बनी चीज़ें उनका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, सही है, क्योंकि पेपर किससे बनता है? पेड़ से बनेगा। पेपर ज़्यादा लगाएंगे तो पेड़ भी ज़्यादा काटने पड़ेंगे, पेड़ ज़्यादा काटेंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन कम मिलेगी, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, तो इससे हवा में वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए ये पेपर का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ये आएगा वी शुड, हाँ ये भी ट्रू आएगा। नोइजी म्यूजिक साउंड काज एयर पोल्यूशन, जब कोई बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं या बहुत तेज आवाज होती है तो एयर पोल्यूशन होता है, नहीं उससे एयर पोल्यूशन नहीं होता, ये फाल्स है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। प्लास्टिक बैग शुड बी यूज एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली का मतलब होता है ज़्यादा यूज करना, ज़्यादा प्रयोग करना। प्लास्टिक बैग का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये सही बात नहीं है, फाल्स है ये भी, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक बैग का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए हमें, प्लास्टिक गलता नहीं है भूमि में और ज़मीन को ख़राब कर देता है। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, क्या हमें आसपास, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए? हाँ ये ट्रू, तो
ये बात का भी आप ध्यान रखा करो, अपने आसपास जहाँ पे भी आप हो, घर में हो, आजकल तो वैसे भी क्लीन रखना चाहिए, बीमारी फैल रही है। तो आज के लिए इतना ही, 10 हैं आप देख लोगे। थैंक यू, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।